हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। बी फार्मेसी के सेमेस्टर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, उसी का एक पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जब भी कोई ड्रग हम कंज्यूम करते हैं उसके अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें यही देखना है अगर कोई ड्रग हम कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होने वाले हैं, जो अनवांटेड है, जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल और अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है डिजायरेबल इफेक्ट, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, लेकिन दूसरा इफेक्ट अनवांटेड है, जिससे आप कभी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जो ड्रग के साथ ही होता है, माइल्ड क्वांटिटी में, कभी कभी वो मेजर क्वांटिटी में भी हो सकता है, विच इज टोटली अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड। उसी के कुछ एग्जाम्पल्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है ऑगमेंटेड रिएक्शन। इसके कुछ मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर लेंगे। इट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नोन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स। अगर आपको ड्रग की फार्माकोलॉजी पता है कि वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर कैसे एक्ट करता है, तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्यों आया है। दीज रिएक्शंस आर डोज डिपेंडेंट। ये डिपेंड करता है कि कितना डोज आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर्टिकुलर मेडिकामेंट का। इसके कुछ एग्जाम्पल, अगर आप कुछ ऐसा ड्रग कंज्यूम कर रहे हो जो कि एंटीकोएगुलेंट इन फंक्शन है, तो ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा। एंड अगर कोई ड्रग ब्लड क्लॉट अगर होने नहीं देता है तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। दैट इज द नोन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। मतलब आपने एक पर्टिकुलर ड्रग को कंज्यूम किया है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जैसी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके सेकेंडरी इफेक्ट बॉडी के ऊपर दिखने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड एडवर्स इफेक्ट और ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दूसरी जो है इसे हम कहते हैं टाइप बी एडीआर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजार रिएक्शन। इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक यह है, आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये ड्रग की फार्माकोलॉजी से कनेक्ट नहीं होता है, एंड इट इज डोज इंडिपेंडेंट। आप डोज छोटा ले लो या डोज बढ़ा के ले लो, उससे इस इफेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। एज सच वेरी स्मॉल डोज मे कॉज द रिएक्शन। बहुत छोटा डोज भी आप लेते हो ना तो भी वो रिएक्शन आपके बॉडी के ऊपर दिख जाएगी। एग्जाम्पल इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। बेसिकली यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम ज़्यादा अफेक्ट होती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। जैसे कि एक पॉइंट आता है मैक्यूलो पॉपुलर एग्जेंथेमा। ये एक स्किन की एलर्जिक कंडीशन है जो कुछ ड्रग्स के कारण क्रिएट होती है, अगर आप उन ड्रग्स को बहुत कम मात्रा में भी लेते हो तो। बट ऑल्सो अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। एस्पिरिन के कारण कुछ लोगों को अस्थमा इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है कि वो पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट डोज के कारण हुआ है या फार्माकोलॉजी के कारण हुआ है, वो हमें एग्जैक्टली नोन नहीं है। इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो ये है आपका टाइप बी बिजार रिएक्शन। तीसरा है टाइप सी, विच इज केमिकल और क्रॉनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन, विच इज रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर, उनके मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये केमिकल एंड क्रॉनिक कंडीशन के एडीआर में आता है, क्योंकि इन ड्रग्स को हम लंबे समय के लिए कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एंटी डायबिटिक मेडिकामेंट, एंटी अस्थमेटिक मेडिकामेंट, पेन किलर्स। अगर हम इन्हें लंबे समय के लिए कंज्यूम करने लगे तो यहाँ पे हमें ऑर्गन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक एडीआर। एग्जाम्पल पैरासिटामॉल के कारण आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। फिर आता है टाइप डी, विच इज कॉल्ड एज डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ये डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होता है? विच अपीयर्स आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब आपने एक ड्रग को कंज्यूम किया है, उसको बहुत टाइम बीत चुका है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद
उसके रिएक्शंस बॉडी के ऊपर दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप डी और डिलीट एडीआर। एग्जाम्पल, ब्लैडर कैंसर आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड एक एंटी कैंसर ड्रग है। आपने ब्लैडर के कैंसर को ठीक करने के लिए उसे तो यूज कर लिया, लेकिन कुछ सालों बाद आपको फिर से कैंसर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप डी और डिलीट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर आता है लास्ट वाला पॉइंट, टाइप ई और द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब आप किसी ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक डिसीज को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आप मेडिकामेंट लेना बंद कर देते हो, लेकिन उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम शुरू होती है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टाइप ई और एंड ऑफ द ट्रीटमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर आपने किसी ड्रग का कंजम्पशन एकदम से बंद कर दिया पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, फिर से वो प्रॉब्लम अपीयर होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये था एक क्लासिफिकेशन एडवर्स इफेक्ट्स का। मैं आपको फिर से एक समरी दे देता हूं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। टाइप ए ऑगमेंटेड है, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल है। आप बता सकते हैं ड्रग की फार्माकोलॉजी क्या है और उसके क्या इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। टाइप बी टोटली बिजार है, इसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, डोज के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। तीसरा है केमिकल और क्रॉनिक टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये कब होता है? केमिकल स्ट्रक्चर के कारण, मेटाबोलाइट्स के कारण, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स के कारण, जैसे कि पैरासिटामोल के कारण हाई हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। फिर आता है टाइप डी विच इज कॉल्ड एज डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब जब आप कुछ सालों के लिए ट्रीटमेंट लेते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद उसके इफेक्ट शुरू होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एंड लास्ट वाला आता है टाइप ई विच इज कॉल्ड एज एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। जैसे ट्रीटमेंट खत्म हो गई, आपने ड्रग लेना बंद कर दिया, इफेक्ट्स फिर से शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टाइप ई एडीआर। इस तरीके से हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ न्यू ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।